चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की। भाई बहन के अटूट प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन है। आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है। कल भद्रा की वजह से बहनों और भाइयों को लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि रात 9:02 के बाद भद्रा खत्म हुई और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा गया। लेकिन आज दिन भर शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही है, साथ ही भाई अपनी बहनों को उपहार के साथ रक्षा का वचन दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों को गहलोत सरकार ने डबल तोहफा दिया है। आज रात 11:59 यानी कि पूरे 12 बजे तक रोडवेज में प्रदेश की सीमा तक फ्री सफर रहेगा और उसका लाभ भी महिलाएं उठा रही है। कल भी फ्री सफर था और आज भी फ्री सफर रखा गया है। साधारण और एक्सप्रेस बसों में प्रदेश की सीमा में फ्री यात्रा हो पाएगी, लेकिन कल चूंकि भद्रा थी और भद्रा के समय कई लोगों के मन में ये संशय था कि राखी को कब बांधा जाए, लेकिन फिर उसके बाद में 9:02 पर चूंकि भद्रा का समय खत्म हो गया था, उसके बाद भी बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे। किसी ने कल त्यौहार को मनाया, आज अपने अपने कामों पर लौट गए हैं और कुछ लोग आज त्यौहार मना रहे हैं और इस तरह से उत्साह राखी का रक्षाबंधन का प्रदेश भर में नजर आ रहा है। दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। भारत के वैश्विक प्रभाव को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी सामने आई है। 80% भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राय अनुकूल स्टडी में पाई गई। 55% प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। भारतीयों की बात मैं यहां पर कर रही हूं। इन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सही फैसले लेंगे और 24% भारतीय पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। 68% भारतीयों का मानना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उस पर भरोसा है। प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता पर 68% लोग यकीन करते पाए गए इस स्टडी में। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी है और उसके अलावा 68% भारतीयों का मानना कि भारत का वैश्विक प्रभाव भी बढ़ रहा है। पूरे विश्व के स्तर पर भारत का रुतबा, भारत का प्रभाव, भारत का कद बढ़ रहा है। 23 देशों की रिसर्च में 28% लोगों का मानना है कि दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा। 12 देशों के 32% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर सही फैसले लेंगे और प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इजरायली भारत पर करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा। इजरायल के 71% लोग भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। प्यू रिसर्च नामक संस्था ने दुनिया भर के 23 देशों में ये सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वेक्षण में कुल 30,861 लोगों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद भद्रवाह के राजमा रामबन के सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। जहां इन लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और पहचान जब मिलेगी तो मुनाफा तो होगा, लेकिन ख्याति भी इन चीजों की बढ़ेगी और जिस जगह से आते हैं उस जगह के इन चीजों को नाम से उसके नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ब्रिटेन दौरे के दौरान ये गिफ्ट दिया था। महारानी एलिजाबेथ को जैवी सुलाई शहद का गिफ्ट उन्होंने दिया। जम्मू के संगठनों ने पिछले साल 8 वस्तुओं के लिए फिर आवेदन किया। जीआई टैग मिलने से किसानों की आय को दोगुना करने में काफी सहायता होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी लोग इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इन चीजों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद ये है। भद्रवाह की राजमा काफी फेमस है, रामबन के सुलाई शहद ये भी काफी फेमस एक प्रोडक्ट, लेकिन अब जीआई टैग मिल गया है और इन लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पहचान मिल पाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2015 में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तो क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने जैवी सुलाई शहद का उपहार दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के संगठनों ने पिछले साल 8 वस्तुओं के लिए जीआई टैग का आवेदन किया, लेकिन अब इन दोनों के लिए आवेदन मिल गया है तो फिर मुनाफा भी जाहिर सी बात है कि होगा।